नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा सांसद राहुल गांधी को लेकर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। आपको बता दें कि सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि मामले में दोषी करार दिया है, जिसके बाद कहा जा सकता है कि राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं और कांग्रेस की भी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी को ये दोषी करार दिया गया है और इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है। गौरतलब है कि 2019 लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक के कोलार में एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था, कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है। इसी को लेकर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि राहुल ने अपनी इस टिप्पणी से समूचे मोदी समुदाय का मान घटाया। दरअसल राहुल गांधी इस वक्त वायनाड से लोकसभा सदस्य हैं और 2019 के आम चुनाव में उन्होंने कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा के दौरान इस मामले से जुड़ी टिप्पणी की थी और उसके बाद उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया गया था। और अब राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने दोषी करार दिया है और इसके बाद अब उम्मीद यही की जा रही कि राहुल गांधी की मुश्किलें आगे बढ़ सकती हैं और हो सकता है कि राहुल गांधी को अगर लंबे वक्त की सजा होती है तो फिर उनकी सदस्यता भी जा सकती है। हालांकि जमानत उन्हें निश्चित तौर पर मिल जाएगी, लेकिन सदस्यता हो सकता है कि राहुल गांधी को आने वाले वक्त में चली जाए। तो इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है कि राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और मानहानि मामले में उनको दोषी करार दिया है सूरत कोर्ट ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोर कहना राहुल गांधी को भारी पड़ गया है और इसी मामले में वो दोषी करार दिए गए हैं। गौरतलब है कि सूरत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच वर्मा की अदालत ने पिछले शुक्रवार को दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी। राहुल गांधी इस मामले की सुनवाई के दौरान 3 बार अदालत में पेश हुए। अक्टूबर 2021 में बयान दर्ज कराने के लिए अदालत पहुंचे राहुल ने खुद को उस वक्त निर्दोष बताया था और अब फिर जब आज दोषी करार दिया गया तो राहुल गांधी सूरत पहुंचे। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी 2021 में अपने आप को निर्दोष बताया था, कोर्ट ने वो बातें नहीं मानी, वो दलीलें नहीं मानी और अब राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर और कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम पर टिप्पणी करने के बाद मानहानि मामले में दोषी करार दिया गया है।